प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमआरबीपी विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले बच्चों को मान्यता के रूप में दिया जाता है। भारत सरकार इन पुरस्कार के तहत नवाचार, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा, स्कूली क्षेत्र और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले बच्चों को सम्मानित करती है। इस साल ऐसे 29 लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, 1,00,000 रूपये कैश और सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। पिछले साल के बाल पुरस्कार के विजेता जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण समारोह को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल सका, उन्हें भी इस बार डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 32 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इंडिया के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 व 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी, डिजिटल इंडिया के इस सुखद प्रयासों के माध्यम से आज राष्ट्रभर में 29 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। आपकी अनुमति से हमारे इन बच्चों की उपलब्धियों पर एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है। आपके आशीर्वाद से उसे राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मंच समर्पित है उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा और प्रयास आज देश के करोड़ों बच्चों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के कला एवं संस्कृति में विजेता हैं कुमारी गौरी महेश्वरी, उम्र 13 वर्ष, अजमेर, राजस्थान। 6 वर्ष की उम्र से कैलीग्राफी की शुरुआत की और कई कीर्तिमान स्थापित किए। मास्टर सईद फतीम अहमद, उम्र 13 वर्ष, बेंगलुरु अर्बन कर्नाटक, वेस्टर्न क्लासिकल पियानो वादक, इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। कुमारी रिमोना एविटी परेरा, उम्र 15 वर्ष, कर्नाटक, भरतनाट्यम की युवा कलाकार, गोल्डन बुक, इंडिया बुक और भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। मास्टर दौलस लंबा मायुंग, उम्र 13 वर्ष, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर, पेंटिंग और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाया है और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मास्टर देवी प्रसाद, उम्र 14 वर्ष, मल्लापुरम, केरल, युवा कर्नाटक संगीत वादक, इन्हें मृदंगम बजाने में महारत हासिल है। मास्टर धृतिष्मन चक्रवर्ती, उम्र 5 वर्ष, शिवसागर, असम, एक अद्भुत गायक जो 5 अलग अलग भाषाओं यानी असमिया, संस्कृत, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में गा सकते हैं। वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी गुरुगु हिमाप्रिया, उम्र 12 वर्ष, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश। जम्मू के सुंजवान मिल कैंप में आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने पर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों को 4 से 5 घंटे तक उलझाए रखा। कुमारी शिवांगी काले, उम्र 6 वर्ष, जलगांव, महाराष्ट्र। कम उम्र में अपनी निडरता और सूझबूझ दिखाकर अपनी बहन और माँ को बिजली का करंट लगने से बचाकर उनकी जान बचाई। मास्टर धीरज कुमार, उम्र 14 वर्ष, पश्चिम चंपारण, बिहार। इन्होंने निडर होकर मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी और अपने छोटे भाई की जान बचाने में सफल हुए। नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी विशालिनी एनसी, उम्र 6 वर्ष, विरुधुनगर, तमिलनाडु। बाढ़ आपदा जीवन रक्षक उपकरण का आविष्कार किया जो पानी में तैरता है, जिसे व्यक्ति को डूबने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुमारी जोई अभिजीत केसकर, उम्र 15 वर्ष, पुणे, महाराष्ट्र। पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए पहनने योग्य एक दस्ताने की तरह उपकरण बनाया है जिसे जे ट्रेमर 3D कहा जाता है।
मास्टर शिवम रावत, उम्र 16 वर्ष, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। भारतीय सरसों के पौधे पर तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि की। कुमारी बनीता दास, उम्र 15 वर्ष, नवरंगपुर, उड़ीसा। इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की। इन्हें नासा और IEASC द्वारा नागरिक वैज्ञानिक का दर्जा प्रदान किया गया है। कुमारी पुहाबी चक्रवर्ती, उम्र 15 वर्ष, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा। स्पाइरोमीटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की दिशा में काम किया, जिससे कोविड रोगियों को मदद मिलेगी। कुमारी अस्वाथा बीजू, उम्र 13 वर्ष, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु। ये एक जीवाश्म विज्ञानी है। इन्होंने गौशालाओं और जीवाश्म प्रदर्शनों का आयोजन कर जीवाश्मों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना शुरू किया। मास्टर तनिष सेठी, उम्र 14 वर्ष, सिरसा, हरियाणा। इन्होंने एक मोबाइल ऐप विकसित किया जिससे पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री हो सके। शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मास्टर अवि शर्मा, उम्र 12 वर्ष, इंदौर, मध्य प्रदेश। वंडर बॉय के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेखक, प्रेरक वक्ता, वैदिक गणित के सबसे युवा संरक्षक, सबसे कम उम्र के समाचार एंकर और अभिनेता हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। मास्टर आकर्ष कौशल, उम्र 16 वर्ष, करनाल, हरियाणा। महामारी के चरम के दौरान जब रोगियों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, इन्होंने करनाल जिले के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद की। मास्टर मेघांश कुमार गुप्ता, उम्र 11 वर्ष, जालंधर, पंजाब। इन्होंने 2020 में coronafreeworld.com साइट लॉन्च किया। मास्टर अभिनव कुमार चौधरी, उम्र 15 वर्ष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। इन्होंने 10,000 से अधिक उन छात्रों को किताबें प्रदान की जो किताबें खरीद नहीं सकते थे। मास्टर पल साक्षी, उम्र 8 वर्ष, सारण, बिहार। पीएम केयर फंड भारत सरकार के लिए FB म्यूजिकल चैरिटी शो के माध्यम से धनराशि जुटाई। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। कुमारी जिया राय, उम्र 13 वर्ष, मुंबई, महाराष्ट्र। ओपन वाटर पैरा स्विमर और ओपन वाटर स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मास्टर तेलुकुंटा विराट चंद्र, उम्र 7 वर्ष, हैदराबाद, तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही हैं। कुमारी श्रिया लोहिया, उम्र 13 वर्ष, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स कार्टिंग रेसर, 7 राष्ट्रीय ट्रॉफियों के विजेता। कुमारी अनवी विजय झंझारू किया, उम्र 13 वर्ष, सूरत, गुजरात। कई स्वास्थ्य चुनौतियां होने के बावजूद इन्होंने योग में नया मकाम हासिल किया और 32 से अधिक योग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 21 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। मास्टर चंद्र सिंह चौधरी, उम्र 12 वर्ष, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता रह चुके हैं। इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए 96 घंटे स्केटिंग चलाने का भी रिकॉर्ड स्थापित किया है। मास्टर स्वयं पाटिल, उम्र 14 वर्ष, नाशिक, महाराष्ट्र। 10 साल की उम्र में 5 किलोमीटर और 13 साल की उम्र में 14 किलोमीटर तैर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कुमारी तरुषी गौर, उम्र 12 वर्ष, चंडीगढ़। ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, भारत की सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट गर्ल हैं। कुमारी आरुषि कोटवाल, उम्र 17 वर्ष, डोडा, जम्मू और कश्मीर। एशियन स्कूल, साउथ एशियन एमेच्योर और एशियन स्कूल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हम सबको ज्ञात है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से संवाद कर रहे हैं तो है वो मैं लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। अच्छा, ये सीखने में काफी कठिनाई आई होगी, कई बड़ी मुश्किलें आई होगी, तो परिवार का सहयोग के बिना तो हो नहीं सकता है जी।
तो कैसी कैसी कठिनाई आई है, कुछ बता सकती हो आप कैसे रास्ते निकाले? जी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास पिताजी नहीं है, वो एक्सपायर कर गए हैं, तो उसके वजह से मामा को बहुत कठिनाई है, और प्लस हम लोग दो बच्चे हैं, मैं और मेरे भैया, तो इन एजुकेशन फील्ड बहुत मुश्किल था, और बट फिर भी मामा ने कुछ ये बिना सोच के उन्होंने लाइक बहुत हार्ड वर्क करके उन्होंने मेरे को एक डांस क्लास में डाला और एजुकेशन दिया, और मेरे को डांस फील्ड में लाइक ये सब सोच के तो ऐसा नहीं होता है सर कि मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे भी एक है कि मेरे को भी मेरा मामा का नाम ऊंचा करना पड़ेगा और मेरे गुरुओं का नाम, तो इसलिए बहुत कठिनाई थी सर। देखिए, मैं पहले तो आपकी माताजी को प्रणाम करता हूँ। आप कितनी भाग्यवान है कि माँ ने अपने जीवन में जो संकट आया उस संकट के बीच भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, और मुझे बताया गया कि तुम टूटे कांच पर कार्यक्रम करती हो, आग पर कार्यक्रम करती हो, ये सुनकर के ही डर लगता है, तुम्हें क्या लगता है? सर फर्स्ट तो मुझे बहुत डर लगा, बट बाद में मामा ने उससे उसको लेके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने नाचा उसके ऊपर, बाद में मेरे को ब्रेवरी दिया कि रमोना कुछ नहीं होगा जा बोल के, तो बाद में बहुत सालों लगा सर गांच के ऊपर जस्ट खड़े होने के लिए, बहुत गांच पीसेस पैर के अंदर गए हैं, बट फिर भी मुझे एक इंटरेस्ट भी था अंदर कि मुझे सीखना है बोल के। रेवना जी, आपकी उपलब्धियां आपकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसके लिए आपके साथ ही, जैसा मैंने कहा, आपकी माताजी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये हमारा प्रयास रहा है कि हमारे देश से, हमारा जो देश का सॉफ्ट पावर है उसकी अपनी एक अहमियत है, और उसकी जितनी शक्ति मिलेगी देश की शक्ति को प्रकट करने का एक रास्ता खोल देती है। इस सोच को आप जैसे युवा कलाकार पूरी तरह समर्पण भाव से, क्योंकि ये कला एक प्रकार की साधना है, एक तपस्या है जो आपने प्राप्त की है, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री जी, एक बेटे का अभिनंदन करने के साथ साथ आज आपने उनके माँ के त्याग और माँ की अभिलाषाओं को भी प्रणाम किया है, उसके लिए मैं हम सबकी ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। एक और बेटी त्रिपुरा से आपसे संवाद के लिए जुड़ना चाहेगी, उनका नाम है पुहोबी चक्रवर्ती। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। वो भी बताइए, आप तो बहुत इनोवेशन करती रहती हो, सुना है हमने। जी सर। बताइए सर, मेरा इनोवेशन एक्चुअली दो किया है, एक है स्पाइरोमीटर नाम की एक चीज है जिसके लिए मैंने एक जीयूआई बनाया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो स्पाइरोमीटर जो कोविड-19 के लोग होते हैं उनके लंग्स बहुत खराब होते हैं, मतलब अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे भी हो या पहले भी, तो क्योंकि कोविड-19 सबसे पहले लंग्स को ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मैंने ये जीयूआई इसलिए बनाया है ताकि करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनके लंग्स को जाके पंप करे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो दूसरा इनोवेशन है वो एक ऐप है जिसका नाम है एथलेटिक्स फॉर द आत्मनिर्भर एथलीट।
सर मैं खुद भी एक एथलीट हूँ और मैं कैराटे में ब्लैक बेल्ट भी हूँ, उसी के साथ साथ मैं इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। तो जब मैं वहाँ पे खेलने जाती थी तो मैं देखती थी कि बहुत ऐसे एथलीट्स थे जिसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, जो स्पेशली इकोनॉमिकली वीक फैमिली से आते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डाइटिशियन नहीं मिलते थे या मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं होता था। तो इसलिए मैंने उन लोग के लिए एक ऐप बनाई जो शायद एक महीने बाद प्ले स्टोर में अवेलेबल होगा, ताकि जो रूरल बैकग्राउंड से है या जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से है वो भी वही चीज मिल सके, उस हिसाब का डाइटिशियन या उस हिसाब का मेंटल हेल्थ के लिए चीज मिल सके जो एक अमीर बच्चों को मिलेगा और एक अमीर एथलीट को भी। ये जो तुम्हारी दूसरी ऐप है वो क्या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए काम आएगी कि कॉमन मैन को भी काम आएगी? सर कॉमन मैन को भी काम आएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए देश भर में जो अभियान चल रहा है हमारे स्मृति जी के नेतृत्व में, देश भर में कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो उसमें आपके ये ऐप का उपयोग हो सकता है? हाँ सर ऐप का उपयोग हो सकता है। तो आपने सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, योजनाएं हैं, उसको स्टडी किया है? हाँ सर कुछ कुछ मैंने किया है जब मैंने ये ऐप डेवलप किया अगर था। उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करोगी तो मैं समझ